नमस्कार, मैं हूं सुमैया अंसारी और आप देख रहे हैं यूथ कॉर्नर। डिप्टी सीएम के अलावा दो कैबिनेट मंत्री देने वाले शहर के अस्पताल की अव्यवस्था ने ले ली मरीज की जान। खबर आ रही है प्रयागराज से। प्रयागराज जनपद ने उत्तर प्रदेश सरकार को तीन कैबिनेट मंत्री दिए हैं। यहां तक कि इन्हीं कैबिनेट मंत्रियों से एक उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हैं। परंतु शायद प्रयागराज का दुर्भाग्य ही है कि यहां पर स्थापित स्वरूप नारी नेहरू अस्पताल में आज तक अव्यवस्थाएँ बनी हुई हैं। उसी का परिणाम हुआ है कि एक व्यक्ति जिसका यदि समय से ऑपरेशन हो जाता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी, परंतु डॉक्टरों की लापरवाही के चलते और समय से ऑपरेशन ना करने के चलते ही उसकी मौत हो गई। चित्रकूट के करवी के चीभो गांव के रहने वाले राजेश और उनकी पत्नी बिट्टी का एक रोड एक्सीडेंट हो गया था, जिसके चलते उनको स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राजेश का ऑपरेशन बुधवार की शाम 10 बजे होने वाला था, परंतु डॉक्टर ऑपरेशन ना कर कहीं चले गए, जिसका परिणाम हुआ कि सुबह 4 बजे राजेश की मृत्यु हो गई। राजेश के पत्नी की मृत्यु मंगलवार को ही एक्सीडेंट के दौरान तत्काल हो गई थी। राजेश के साले ने बताया कि स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम इस तरह से है कि ऑक्सीजन का एक सिलेंडर लगाने के लिए 500 नगद देने पड़ते हैं। मेडिकल स्टोर से दवा मंगाने पर डॉक्टर एक निश्चित मेडिकल स्टोर से ही दवा लाने का दबाव भी डालते हैं ताकि उनको कमीशन मिल सके। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा जारी आयुष्मान कार्ड का भी स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में कोई मतलब नहीं है। हर एक चीज़ के लिए नगद पैसा देना पड़ता है। राजेश की मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम हाउस में भी उनके परिजनों से 2000 लिए गए। इस तरह की अव्यवस्थाओं के चलते स्वरूप रानी में आने वाले तमाम जनपदों और अन्य प्रदेशों के लोगों को आए दिन असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। अभी मंगलवार को ही प्रयागराज के जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी ने स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल का निरीक्षण किया था और उसी दिन शाम को स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में एक मरीज समय से स्ट्रेचर मिलने के चलते मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके अलावा प्रयागराज के ही तेज बहादुर सप्रू चिकित्सालय में मंगलवार को सुबह कुछ मरीजों ने भोजन में अव्यवस्था के चलते शोर शराबा किया था। कुल मिलाकर प्रयागराज प्रशासन प्रयागराज के लोगों को और यहाँ पर आने वाले अन्य जनपदों के लोगों को समुचित चिकित्सा व्यवस्था और अन्य सुविधाएं नहीं मुहैया करा पा रहा है। भले ही प्रयागराज ने उत्तर प्रदेश सरकार को तीन कैबिनेट मंत्री दिए हों, उपरोक्त घटनाएं उत्तर प्रदेश सरकार और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के कार्यालय प्रणाली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। जी बताएं। सर, मेरा नाम श्याम सिंह है और हम लोग परसों घटना है सर, मेरी सिस्टर और जीजू के एक्सीडेंट और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चित्रकूट से उनको रिफ़र बनाया गया यहाँ स्वरूप आने के लिए। सर जब यहाँ आए, यहाँ आने के बाद शाम को इमरजेंसी डाला गया। इमरजेंसी कब यहाँ आए आप? सर परसों। तो इमरजेंसी में जब डाला गया तो जाँचें लिखे, सी टी स्कैन और एक्सरे के दौरान ऑक्सीजन के लिए यहीं के लोकल 1000 रुपये से डिमांड की गई। हम उनसे कहा कि सर गरीब है, हमारे पास ऑक्सीजन के लिए पैसे नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर करवाना हो तो बाहर से आप लोगों को मंगाना पड़ेगा। इसके बाद सर हम कैसे भी करके ऑक्सीजन व्यवस्था करके एडमिट कराए। सर परसों से जब हम यहाँ आए, आने के बाद सर बस ऐसे ही बॉटल टांग दिया जाता है। बॉटल टांगने के बाद कोई ना देखता है ना सुनता है। और सर इसके बाद आयुष्मान कार्ड के जरिए हम रजिस्ट्रेशन करवाए। जब उनसे पूछा कि सर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो इस कार्ड के थ्रू शायद हमें दवा या कुछ जो भी जांचें हो सर इसके जरिए हो जाए। उन्होंने कहा कहीं इससे कुछ नहीं होता है, जो भी हम जैसे कहते जाएं वैसे करते जाओ, नगद पैसा दीजिए, नगद पैसा दीजिए। रिक्वेस्ट करने पर सर कुछ इनके समझ में नहीं आया। जब जब भी मेडिसिन के लिए लिखते हैं तो मेडिसिन के साथ में कोई ना कोई जाता है और वो अलाउ करते हैं कि आपको इस मेडिकल स्टोर से दवा लेना और कमीशन मिलता है। और ऑपरेशन के लिए सर हम कैसे कल किए, हमें कहें कि आपका ऑपरेशन हो जाएगा तो ब्लड की व्यवस्था हम लोग कैसे भी किए। ब्लड के बाद फिर जो भी सामान लगता है हम लोग कलेक्शन किए। कल शाम को कितने बजे ऑपरेशन होने वाला था? 10 बजे। सर 10:30 बजे ऑपरेशन नहीं किए? सर ऑपरेशन नहीं किए। आप लोगों से पूरा सामान मंगवा लिया और ऑपरेशन नहीं किए? ऑपरेशन नहीं किए, सारा सामान रखा रहा, पूरा जो बोतल खून रखा रहा। जब आप लोग गए कि ऑपरेशन सर कर दीजिए 10 बजे कहे तो क्या कहा गया आपसे? नहीं, तुम्हारे हिसाब से करेंगे क्या, हमें तो अपने अकॉर्डिंग करना है ना। तुम शांत रहो, तुम ज्यादा बोलते हो। कुल मिलाकर के अगर
उस समय हो सकता है कि ऑपरेशन हो गया होता तो उनकी जान बच जाती। ये बात किसने कही थी यहाँ के? ये बात किसने कही थी आपसे? सीनियर डॉक्टर ने यहाँ का जो अधीक्षक है, आप पट्टी चेंज कर दीजिए, इंजेक्शन लगा दीजिए, जब वो फड़फड़ाते हैं तो आप जाकर के उन्हें देख लीजिए सर, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो कहा तुम्हारे हिसाब से करें, जो भी है सब ठीक है। हमने कहा जो नली होती है कचरा निकलता है उनसे कम आप एक्सचेंज कर दीजिए मैम, तो मैडम भी वहाँ नहीं सुनी। सर से कहा तुम्हारे हिसाब से नहीं, सब फिट है, तुम ज्यादा बोलते हो, तुम अपने काम से काम रहो, जो हमें करना है सब समझ में आता है। और आपकी दीदी जी की कब डेथ हुई है? ये सर परसों नाइट में हुई, उनकी डेथ हो गई है। यस सर। उनकी डेड बॉडी कहाँ है सर? पीएम हाउस में। उनके बच्चे कहाँ है? बच्चे कितने हैं? कहाँ है? बच्चों को लाइए। चारों बच्चे, चारों बच्चे हैं और दो लड़कियां घर में। ये चोट इन लोगों को ऐसे ही आई है? तो ये लोग नहीं भर्ती हुए यहाँ पे? इन लोगों को गंदा लगा है पूरा एकदम, अभी पट्टी एकदम पूरी गंदी है सर। अगर हम उन लोगों से पट्टी मांगते थे तो लोग कहा मेडिकल से पट्टी ले आओ, जो पेशेंट एडमिट था उन लोगों को पट्टी पैर बांधने के लिए पट्टी नहीं दे रहे थे। बाहर आगे आइए, आप आगे आइए, बाहर से पट्टी ले आइए, ठीक। रुई तक नहीं देते थे, रुई तक हम लोग बाहर चले। मतलब स्वरूप रानी में इनके पिताजी भर्ती थे, एक्सीडेंट हुआ था, इनको चोट लगी है, बच्चों को, बच्चों को दिखा दीजिए कैमरा, बच्चों को चोट लगी है, बच्चों के लिए जब आप पट्टी मांगते थे तो कहा जाता था कि मेडिकल स्टोर से लेकर पट्टी लेके आइए, हमारे पास पट्टी खत्म है। तीन दिन से पट्टी नहीं बदली गई, तीन दिन से पट्टी नहीं बदली गई, और इस तरह का चोट एकदम गंदी हो गई है चोट, इसकी सफाई हो जाए ना, कचरा गंदी। खून रखा 15,000 की दवाई रखी है, डॉक्टर बाल घोटवाया कि रात में ऑपरेशन हो जाएगा, हम इंतजार में बैठे रहे, डॉक्टर साहब आ रहे हैं, डॉक्टर साहब घर निकल गए और रात भोर में 4 बजे तड़के उसकी मृत्यु हो गई। लापरवाही के कारण बहुत बड़ी लापरवाही खत्म हो गई। हमारा हाथ जो रिक्वेस्ट है कि उचित कार्रवाई की जाए इनके ऊपर। ये यहाँ क्या हुआ वो बताओ, यहाँ पैसा कटने लिए में क्या हुआ ये बताइए। जब आप हाउस में 1,000-2,000 रुपए मांग रहे हैं, पीएम नहीं कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर नहीं 1,000 रुपए मांग रहे हैं कि 2,000 रुपए मांग रहे हैं? 1,000 रुपए। और कौन मांग रहा है? अब यहाँ के मांग रहे हैं, कौन मांग रहा है? ये का मतलब डॉक्टर मांग रहा है कि पीएम वाला मांग रहा है? आपको देना पड़ा, मजबूरी है, देना पड़ेगा। सारे कपड़े हम लाए, सारे कफन हम लाए, पन्नी हम लाए, 2,000 का सामान हम लेके दिए, एक भी हमें वस्त्र नहीं मिले वहाँ से। सर अस्पताल में 3 बार इधर उधर मिलाकर के स्वरूप रानी अस्पताल में आयुष्मान कार्ड का कोई मतलब नहीं है। आप नगद पैसा दीजिए, मेडिकल स्टोर पर खर्च करिए। अगर आप मुझे कहना चाहते हैं, एक वार्ड से दूसरे वार्ड में मरीज को लिया जा रहा है तो 500 रुपया गैस का दे, ऑक्सीजन का, तब ऑक्सीजन लगता नहीं लगा, ऑक्सीजन सिलेंडर का भी पैसा ले 500 रुपए। किसी का संपर्क नहीं करवाना है वहाँ भी पैसा चाहिए। किस वार्ड में भर्ती थे? कहाँ? वार्ड नंबर 35 में। आईसीयू में? जी पहले जनरल में, आज आईसीयू में। कल रात में आईसीयू में ले गए हैं, 3 बजे आईसीयू में ले गए हैं शाम, जब हम लोग दौड़ धूप के बाद अभी दवा होती रही और रात में ऑपरेशन को कहे, फिर डॉक्टर चला गया। इसके बाद सर मेडिकल आता ही नहीं है, चला कहाँ गए? वो लेके जाते हैं तो डॉक्टर हमें सजेस्ट करता है कि आपको कहाँ जाना, कोई ना कोई एक कैंडिडेट साथ में भेजता है कि आपको कहाँ जाना है। 1 रुपए का सिक्का बना है, जहाँ रसीद कटी है वहाँ 1 रुपए लगता है, हमसे 100 रुपए लिया गया रसीद का। आपने पूछा नहीं कि 100 रुपए की? हम पूछे 100 रुपए की, ये पर्चे का सवाल लगता है, रात में आए हो, इमरजेंसी में हो, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? बताओ सर क्या जवाब दे वहाँ? अच्छा, हम तो सोच रहे हैं कि हम अगर जबरदस्ती कर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि ना करे तो मर जाए हमारा मरीज। हम तो सौ मांग रहा है, 200 लो भैया, दवा तो करिए रात में। सर जी हम लोगों की मजबूरी, अब हम जान रहे हैं 3 रोज से पेट में अंदर खा रहे हैं। जो खत्म हुए आपकी बहू और आपके बेटे खत्म हुए, ये आपके नाती है जो छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या खिलाऊंगा इनको, क्या खिलाऊंगा। ये खास रिपोर्ट थी अजय विश्वकर्मा की। आज की खबर में बस इतना ही, ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ।